अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गला बनाना सिखाऊंगा। ये हमने गोल गले में नीचे शेप दिया है, ठीक है, और नीचे हमने इसके प्लेटों वाली पट्टी भर दी, ठीक है, और ऊपर हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है, ये बीच में हमने इसके बटन लगा दिए। चलिए यहाँ देखते हैं किस तरह तैयार किया है हमने। ये हमारे टुकड़ों में, ठीक है, इसे इस तरह डबल कर लेंगे और यहाँ ऊपर से हम इसे 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, ठीक है, और यहाँ से इस तरह 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसे हम गोलाई कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम इसे 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ ऊपर से 15 इंच पे निशान लगाएंगे हम इसे, ठीक है। तो इसका आधा हमारा 4.5 बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 4.5 इंच पे, और यहाँ से हम इसे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब हम इसे इस तरह शेप दे देंगे, ये शेप दे दिया हमने। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहां से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब इस साइड से हम इसे 1.25 इंच चौड़ा कटिंग कर लेंगे। ये देखिए गला कट गया हमारा। हम इसे कपड़े पे चिपका लेंगे। यहां पे हम इसे सेट कर लेंगे कपड़े पे। यहां पे हम थोड़ा सा गैप देंगे, ठीक है, इस तरह हम चिपका लेंगे इसे। मैंने गला कपड़े भी चिपका लिया, ठीक है, इसकी मैंने कटिंग कर ली कपड़े की, बाकी कपड़ा जो बचा था इसकी कटिंग कर ली, ठीक है। अब यहाँ नोक पे हम कट लगा लेंगे, इस साइड पे भी कट लगा लेंगे। अब हम इसे इस तरह मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, पूरे गले में। ये मैंने सिलाई लगा दी गले की, ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कट लगा लेंगे हम, और यहाँ पे भी सारे कट लगा लेंगे। मैंने कट लगा दिए सारे, ठीक है, यहाँ पे भी और इस साइड पे भी। तो हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह, ये देखिए इस साइड पे हमारा ये लुक्स भी लग गया। इसे हम प्रेस कर लेंगे, प्रेस करने के बाद हम इसे तुरपाई कर देंगे। ये देखिए मैंने गले की तुरपाई कर दी इसकी, ठीक है। अब हम इसकी नीचे की पट्टी तैयार करेंगे। ये ब्लैक कपड़ा है हमारे पास, 4 इंच चौड़ी पट्टी काटी है मैंने, ठीक है। इसे हम यहां से 1 इंच छोड़ देंगे ऊपर, और इस तरह 1/2 इंच की प्लेट दे देंगे हम, ठीक है। एक प्लेट देने के बाद जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी यहाँ, इसके बराबर में हम इस तरह दूसरी प्लेट दे देंगे इस तरह, ठीक है।
ये देखो मैंने 3 प्लेटें डाल दी इस पे, ठीक है। इसी तरह हम 10 इंच तक प्लेटें डाल देंगे। ये देखो मैंने प्लेटें डाल दी सारी 10 इंच तक, ठीक है। अब हम इसे कपड़े को इस तरह डबल कर लेंगे इसके नीचे इस तरह, और यहाँ पे ऊपर हम एक प्लेट का दबाव छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि हम प्लेट को जब यूं करें तो वो बराबर हो जाए, ठीक है। अब हम ये प्लेटें नीचे की तरफ बैठेंगे, ठीक है। अब हम इसके बीच में एक निशान लगाएंगे, ये देखें यहाँ पे हम निशान लगा देंगे बीच में, ये निशान लग गया हमारा। अब हम इस प्लेट को यहाँ से इस तरह मोड़ लेंगे सेंटर से, ठीक है। नीचे बैठ रही है, अब हम ऊपर की तरफ बिठाएंगे इसे, और यहाँ पे हम सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर ऊपर बिठाते जाएंगे ब्लेड्स को, और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने सिलाई लगाई है यहाँ पे प्लेटों को ऊपर करके, इसी तरह हम पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे जहाँ तक प्लेटें डली हुई हमारी। ठीक है, मैंने सिलाई लगा दी इस पे, ठीक है। मैंने सेंटर में से सारी प्लेटों को ऊपर की तरफ बिठा के सिलाई लगा दी। अब हम साइडों से इस तरह नीचे की तरफ बिठाएंगे, ठीक है, इस तरह सेट करेंगे हम। इस तरह सेट करके यहाँ पे हम सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। इस साइड पे भी इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें मैंने सिलाई लगा दी एक साइड से, ठीक है, प्लेटों का रुख नीचे की तरफ बिठा के। अब हमारा प्लेट साइड इस साइड से प्लेटों का रुख नीचे की तरफ है और सेंटर से ऊपर की तरफ है। अब दूसरी साइड से भी हम इसे नीचे की तरफ प्लेटें करके सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, जैसे इस साइड की हमने लगाई है। ये देखें मैंने दूसरी साइड की भी सिलाई लगा दी इसकी, ठीक है। अब हम इसे गले पर लगा लेंगे, हम इस तरह सेट कर लेंगे, ठीक है। यहां से हम इसे यहां तक 7.5 इंच पे नाप लेंगे। ये देखें 7.5 इंच है हमारा, आधा इंच ऊपर हमारा दबाव कंधे में चला जाएगा और 7 इंच गला हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यहां से हम इसका सेंटर कर लेंगे। देखिए सेंटर की सिलाई है, इसी सेंटर पे हम इसका सेंटर कर लेंगे, ठीक है। और यहां पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी, ठीक है, ये हमारा लग गया। अब हम इसका नीचे का दबाव काट देंगे, और तो दबाव जो है हमारा ये मैंने फालतू कपड़े की कटिंग कर दी, ठीक है, इसे हम सीधा कर लेंगे। अब इसे हम यहाँ पे डिजाइन तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसी तरह रहने दें, सिंपल बना सकते हैं, ठीक है, इसकी डिजाइनिंग ना बनाए, लेकिन हम थोड़ा सा फैंसी करने के लिए इसकी यहाँ पे डिजाइनिंग करेंगे। ये हमारे पास बनारसी है, 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है हमारे पास।
ठीक है, हमारी इतनी इतनी लंबी पट्टी है कि गले में पूरी आ जाएगी। इस पे हम ये फॉर्म लगा लेंगे इस तरह, यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे। ये मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा दी, ठीक है, कपड़े और फॉर्म को मिला दिया आपस में। अब हम इसे इस तरह मोड़ लेंगे यहाँ से, और दूसरी साइड से भी इसी तरह मोड़ के यूं इसे बराबर रख लेंगे। यहाँ पे हम लब की सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पे पट्टी को डबल करके, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे बांध लेंगे 1 इंच के गैप से, इस डबल धागे से हम इसे बांध लेंगे जोर से। ये देखिए मैंने बांध लिया इसी, ये देखिए मैंने बांध लिया दूसरे को भी, ठीक है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे, ये लेस है हमारी नग वाली लेस है, ठीक है, ये चिपकने वाली लेस है वैसे तो, लेकिन हम इसे टांकों से लगाएंगे। इसे हम इस तरह जोर से दबा लेंगे, टाइट करके बांधेंगे, ठीक है। जहाँ तक इसकी इसकी गुलाई आ रही है यहीं से हम लेस काट लेंगे। ये देखिए, ठीक है, अब हम इसे टांके लगा लेंगे। ये मैंने धागा डाला है सुई में, ये हम टांके लगा लेंगे। इसे हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे सही से। ये देखो मैंने लेस को पक्का कर लिया, ठीक है, दूसरे पे भी हम इसी तरह लेस लगा लेंगे। इसे हम काट लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये देखो दूसरे पे भी मैंने लेस लगा दी, ठीक है, इसी तरह हम इस पूरी पट्टी में लेस लगा लेंगे, बांध के लेस लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने सब पे बांध दिया कप धागा, धागा बांधने के बाद मैंने इस पे लेस लगा दी, ठीक है, पूरी पट्टी मैंने इसी तरह तैयार कर ली। अब हम इसे गले पे लगा लेंगे, ये हमारा गला है, ठीक है। इसकी जो सिलाई वाली साइड है इसे हम नीचे दबाएंगे इस तरह, ठीक है, हम इसे लगा लेंगे। जहां पे हमारी लेस लगी हुई है मैं आपको टाक के दिखा देता हूं। ये मैंने धागा डाला है चार से धागा, ठीक है, डबल धागा डाला हुआ मैंने, तो हम यहां से इस तरह निकाल लेंगे और इस साइड से हम इसे अंदर कर लेंगे। इसे हम इस तरह यहाँ पे बांध देंगे। ये देखिए मैंने बांध दिया एक, ये देखिए मैंने टाक लिया पूरा, ठीक है। ये थोड़ा फैंसी लुक दे दिया हमने, ठीक है, सादे कपड़े पे, या आप लॉन पे भी बना सकते हैं, जॉर्जेट पे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बटन लगा लेंगे,
पांच बटन हम यहाँ लगा लेंगे, एक बटन हम यहाँ लुप्स के नीचे यहाँ पे लगा लेंगे इस साइड पे, ठीक है, ताकि हमारा यूं।